साथियों नमस्कार। साथियों, क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की स्थापना 1870 में महामना ज्योतिबा फुले साहब ने की थी। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है रायगढ़, जहां पर महामना ज्योतिबा फुले साहब ने शिवाजी महाराज की समाधि की खोज की थी। पुणे शिवाजी जयंती मनाने वाला पहला स्थान था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी जयंती एक राष्ट्रव्यापी अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन मराठों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का जश्न भी मनाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर लोग उनके योगदान को याद करते हैं और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज की बहादुरी और बुद्धिमत्ता हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित और प्रेरित करती रहेगी। शिवाजी महाराज एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष राजा थे, जो अपनी प्रजा के साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया करते थे। दोस्तों, शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी उपलब्धियों के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। शिवाजी महाराज ने चाकन, कोडाना और पुरंदर के किलों पर कब्जा किया। उन्होंने तोरणा से 5 मील पूर्व में रायगढ़ का किला भी बनाया था। दोस्तों, उन्होंने जावली की मराठा रियासत पर कब्जा कर लिया और कल्याण, भिमंडी और माउली पर भी कब्जा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को अपने पंजों वाले दस्ताने से, जिसे कि बघनखा कहा जाता था, उससे मार गिराया था। बीजापुर की सेना पूरी तरह से हार गई और शिवाजी ने कोंकण और कोल्हापुर के जिले पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने औरंगजेब के कई प्रदेशों और किलों पर भी विजय प्राप्त किया था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिखरी हुई मराठा जाति को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का भी निर्माण किया। उन्होंने आय के लिए एक प्रमाणिक राजस्व प्रणाली की स्थापना की और साम्राज्य आर्थिक आधार को व्यापक बनाया। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के राजा थे। उनका जन्म 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र के शिवनेरी। शिवाजी महाराज अपनी बहादुरी, सैन्य रणनीति और अपने लोगों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म के दृढ़ विश्वास रखते थे और उन्होंने मराठी भाषा के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया था। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई किलों का भी निर्माण किया था। दोस्तों, शिवाजी महाराज एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष राजा थे, जो अपनी प्रजा के साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया करते थे। वरना उसके पहले और बाद के राजाओं को तो आपने देखा होगा कि राजा अपनी प्रजा को चूसने के लिए क्या क्या नहीं किया करते थे। भारतीय इतिहास में उन्हें साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से मानते हैं और जानते हैं उनको। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।